आजा आजा हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में जैसे कि मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर मम्मी पापा के पास और बेला के पास, और जैसे कि देख सकते हो बेला आके रुकी नहीं रही है। अपना बदमाशी क्या बोलूँ, उसका ये हक है कि मैं जैसे उसको बचपन में लेके आया था ना, वो अभी भी सोचती है कि अभी भी छोटी है तो उसको मैं गोदे उठा लूँगा और हमेशा उसको प्यार करते रहूँगा। कुछ दिनों के लिए मैं 6 महीने के लिए घर गया था, और घर से आने के बाद पापा ने बोला कि ये तुमको पहचान नहीं पाएगी। अब देख लो, आपके सामने ट्रूथ है, पहचान पा रही है या नहीं पहचान पा रही है। उसको मैंने इतने देर गले में हाथ लगाया, घर आने के बाद देखो बैग भी उसके लिए फेंक दिया मैंने। मेरे पास मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक सेकंड रुक जा, जूते खोलने दे, नहीं उसको पहले प्यार करो। और इतने दिनों बाद देखा है तो पापा तो डाउट में थे कि मेरे को पहचान पाएगी या नहीं पहचान पाएगी। मगर डॉग ऐसे लाइक एनिमल है जो कि अपने जो खास है लोग हैं उनको कभी नहीं भूलते, कभी नहीं। और मैं भी इससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना ये मेरे से प्यार करती है। तो इतने दिन तक पापा मम्मी के पास थी ये, पापा मम्मी बहुत ही अच्छे से इसको केयर करते थे। सिर्फ मैं तो लेके आया था, और पिछले साल इसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताया था, और इस बार भी मैं आ चुका हूँ इसके साथ पूरा टाइम बिताने के लिए। तो आप देखना ब्लॉग में आपसे बेला रोज़ दिखेगी और रोज़ आपसे मस्ती करेंगे और दोनों मिलके मस्ती करेंगे। अब देख सकते हो मैं बोल रहा हूँ भाई एक सेकंड रुक जा, बैग खोलने दे, नहीं उसको पहले गोदी लेना है। देखो ये क्या उछल कूद कर रही थी, मतलब आप समझ नहीं पाओगे। अगर आप सामने आओगे ना, आप मेरे घर पर कभी भी आओ तो आप देख सकते हो कि क्या करती है ये लड़की। ओए बेला 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 बेला, देखो गले के नीचे हाथ लगा रहा हूँ और कितने मजे से ये मस्ती कर रही है। ओह मुझे ना इसका ये सीन सही लगता है कि ये कभी भी नहीं भूलती है, और मेरे को तो खासकर अब पता नहीं ये आधे घंटे तक ये खेलती रहेगी, आधे घंटे से ज़्यादा ही खेलेगी मुझे जैसा लग रहा है। शांति नहीं हो रही बिल्कुल, एकदम से ऐसा हो रखा था ना उसको कि अभी और प्यार करो गोदी में लो। मैंने बोला रुक जा भाई, जूते खोलने दे, नहीं उसको जूते खोलने के भी टाइम नहीं है, आप मेरे को पहले प्यार करो उसके बाद जो करना है करो। तो मैं तो इसके थोड़ा सा प्यार कर लेता हूँ और आप थोड़ा सा एंजॉय कर लो। And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna sit. तो आपने पिछले वाले क्लिप में देखा, जब तक मैं इसके गले में हाथ लगाता हूँ ये बहुत ही शांत रहती है, और गले से थोड़ा सा भी हाथ हटाता हूँ फिर से हाथ लेके पुकारती रहती है कि मेरे को गले में फिर से हाथ लगाओ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद बेला को लाइक मैं जब तक हाथ लगाते रहूँगा वो चलती रहेगी ऐसी मस्ती। और ये देखो मस्ती करते करते ये तो चढ़ गई मेरे काट पे, अब इसको और भी मस्ती करना है। तो गले में हाथ लगा रहा हूँ और थोड़ा सा मेरे को कमज़ोर सी फील हो रही है, पता नहीं क्यों। मैं अभी ट्रैवल करके आया हूँ इसलिए शायद मेरा आँखें भी थोड़ा सा सूजा सा लगा। और मैं अभी थोड़ा सा इसके साथ मस्ती कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। और मम्मी को बोला है मैंने चाय बनाने के लिए, तो देखते मम्मी कब तक चाय बना के देती है। तो बेला थोड़ा सा मस्ती करके सो जाते हैं। फाइनली घर पहुंच चुका हूं, और पहुंचने के बाद जो पहली चाय है वो भी मिल गई है मेरे माताश्री के कारण। तो अभी चाय पीते और फिर बेला के साथ थोड़ा सा मस्ती करेंगे, जो कि थोड़ी बहुत मस्ती हो भी चुकी है। अब मस्ती करने के बाद फिर मिलता हूँ। सो घर आने के बाद ये सेकंड चाय है, और थोड़ा चाय एंजॉय करते हैं। और नंदू भी आए, नंदू से बात कर रहा था, तो इसके दादाजी के अभी एक्सपायर हो गए, थोड़ा सा उदास है। सो फाइनली घर पे आने के बाद मेरे को मिल गया अपना खाना, माँ के हाथ का खाना, इसी के लिए तरस गया था, इसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये है झींगा जो कि पेस्ट है, ये झींगा का वो बड़ा है जो बोलते हैं ना दही बड़ा, वही ये है झींगा बड़ा। और साथ में प्याज और भी सब्जी आ रही है, देखो क्या क्या आती है। तो ये भी आ चुका है, ये इलिश माछ है क्या? ये इलिश माछ है, हिल्सा बोलते हैं इंग्लिश में। सो ये सबसे महंगा फिश का किंग बोल सकते हो, ये है वो हिल्सा। साथ में ये है अभी के लिए, और रात को भी कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now.
तो खाना पीना खा के मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, रेस्ट ले रहा था, और उसके बाद शाम के ये चाय आ चुकी है, साथ में बेला भी है और रोटी भी है। चाय, रोटी और बेला, क्या कॉम्बिनेशन है भैया। रात को पापा आ चुके हैं, आने के बाद ये देखो हम तीनों एक साथ बैठे हुए थे खाना खाने, तो ये भी नीचे बैठी नहीं, ये आ गई ऊपर चाय के साथ रोटी। मेरा पता नहीं चाय कितने बार हो जाएगा घर पे आके, मैं दिखा दिखाते थक जाऊंगा, मगर आप थकोगे नहीं, मतलब देखते रहना ये। और चाय लवर हो तो प्लीज़ एक लाइक करके बता देना, हाँ मैं भी चाय लवर हूँ। बाकी पापा के साथ बेला का अभी चल रहा है कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन, देखो कुछ तो बोलना चाहती है पापा से, बोलो कि पहले मतलब खाना बनना छोड़ो, मेरे को थोड़ा सा प्यार कर लो उसके बाद खा लेना। और वैसे तो खाने पीने पे ये मुंह नहीं लगाती है। अब खाना पीना तो हो चुका है, मगर बेला को अभी नींद नहीं आ रही है, तो उसको अभी खेलने के मस्ती चढ़ी है, तो मैं और बेला दोनों एक साथ खेलने लग गए। और बेला एक बार बॉल ले लेती है ना, बॉल छोड़ती नहीं है, फिर बॉल ला के दे देती है, मगर बॉल फिर छोड़ती नहीं है, मेरे को उसको खींचना पड़ता है और फिर जाकर फिर लूज़ करके फिर देती है। तो ऐसे हमारी मस्ती तो चलती रहेगी। आप अभी तक देख लिए तो कमेंट नहीं किया यार, कमेंट कर दो, बोलो बेला कैसी लगी आपको। मौज मस्ती अपनी जगह है। अब बेला का आपको दिखाता हूँ, देखो हैंडशेक बोला, हैंडशेक किया, सीट बोला, सीट बोल के बैठ गई। अब बॉल को सामने रख के मैं उसको बोलता हूँ नो, तो नो मतलब वो छुएगी भी नहीं, अगर इसको बोलता हूँ यस तब जाके छूती है। तो ये एक चीज़ अच्छी बात है जो कि ना मैंने बचपन में ट्रेनिंग दिया था, अगर किसी ने बचपन का ट्रेनिंग देखा है तो वो लोगों को पता है कि मैंने कितने अच्छे से बेला को ट्रेन किया था। ना कोई लोगों को बाहर के लोगों को काटती है या कुछ करती है, अपने आप में रहती है, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के अगर बुरा लग जाए तब जाके ये बहुत तेज भौंकती है, मगर किसी को काटती नहीं है, ये अच्छी बात है, भौंकना चाहिए। और एक पर्स भी लेके आया था जो कि ना ये जूट से बना हुआ है, और ये मैंने एक बहन को भी दिया था, एक मम्मी को भी दिया है, तो मम्मी तो खुश है कि बेटा मेरे को याद करता है। तो अभी क्या है कि अभी अपन लोग दोनों मिलके बातें करेंगे, मैं और बेला, और थोड़ा सा मस्ती करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। सो एक साड़ी तो ये हो गई जो रूम में पहनने के लिए, और एक ये साड़ी है, तो इसको मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, फिर मम्मी डांटेगी। बेला से मिलने का और एक खुशी है, और मम्मी पापा से मिलने का और एक खुशी है। आज मैं जब आके मम्मी पापा से एकदम मिला ना, तो पापा बाहर ही खड़े थे, जैसे हम मेरी टैक्सी आई तो पापा बाहर देख रहे हो खड़े हैं, तो पापा ने सारे बैग, मतलब तीन बैग था, उसमें दो बैग पापा ने उठा लिया है, दो बैग मैंने उठा लिया, मतलब एक मेरा छोटा वाला बैग था जो पेट पे लगाता हूँ मैं, वो वाला बैग था, और जो बड़े वाला बैग था वो मैंने लिया, जो दो छोटे छोटे बैग थे वो पापा लेके घर पे आ गए। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत दिन बाद अपने घर आए हो, मतलब मैं कुछ दिन पहले घर से गया था, और एकदम एक पापा ने जो रिएक्शन दिया, मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि मैं बहुत दिन बाद आया हूँ और मेरा बेटा कहीं खो गया था ये वो, तो आई डोंट नो कैसे मतलब रिएक्ट कैसे कर रहे। मैंने बस ऐसे सर झुकाया और अंदर आ गया, और फिर मम्मी एकदम से आई, मम्मी आने से पहले बेला आ गई, अब बेला आके मम्मी, जैसे आपने देखा कि बेला आते ही चपट गई, वो मम्मी से क्या बात कर, पहले बेला से तो बात कर लूँ फुर्सत से, तो फिर बेला वो से हो गया, खाना पीना खाए एक साथ, फिर मम्मी और मैं एक साथ बैठे बैठ के मतलब बातें कर रहे थे बहुत दिन का। तो मम्मी बोल रही थी कि यार तू पापा के लिए कुछ नहीं लेके आया, मैं मम्मी के लिए दो साड़ी लेके आया हूँ जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फाइनली आपने देखा बेला जब आए आके एकदम से गले लग के, बहुत देर तक बेला को एकदम से प्यार किया, और बेला भी मेरे को बहुत देर तक प्यार करी, और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक साथ खाना खाया, मतलब बेला ने अपना खाना खाया, मैंने अपना खाना खाया, और उसके बाद मम्मी ने खाना दे के बाहर चली गई है पापा के पास, और अभी मैं और बेला घर पे ही है रूम में, तो क्या कर रहे हैं क्या करेंगे ये नहीं पता, मगर बेला देख रहा हूँ कि अपने मन से पूरा सो गई है। यार इज और बेला रानी है, बेला कुछ बोलना चाहोगे? ओ देखो 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 बेला, हैंडशेक, यस गुड गर्ल, हैंडशेक, गुड गर्ल, गुड गर्ल, देखा कुछ नहीं बोलती है लड़की, कुछ नहीं बोलती है, जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। ओ इसको ना पूरे दिन ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, बहुत मजे बहुत मजे, अगर ऐसे करना रुक दोगे ना, अभी तो कुछ नहीं बोलिए, ऐसे हाथ रख देता हूँ, देखो ये देखो, फिर से करो फिर से करो फिर से करो, ये देखो कहाँ पे थी और कहाँ आ गई, और इसको देखो मैं ऐसे ऐसे किए जा रहा हूँ, तब जाके थोड़ा बहुत शांत होती है। ओह इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मैंने अभी पंखा बंद कर दिया क्योंकि वीडियो बनाते टाइम में बहुत शोर होता है, इसलिए पंखा बंद कर दिया, पंखा चला देते हैं, और बेला के साथ और थोड़ा सा मस्ती कर लेते, क्या बेला क्या बेला। दिस इज अ न्यू डे न्यू व्लॉग।
और आपके सामने बेला और मैं। तो सुबह सुबह उठने के बाद क्या हुआ, मम्मी अपने मतलब काम करके पापा के पास चले गए, और पापा के पास जाके मम्मी थोड़ा बैठ बैठी रहती है और फिर मम्मी आ जाती है। इतने टाइम में बेला अकेली रह रही थी, तो बेला ने क्या किया, ऊपर चढ़ के आई और मेरे पास आके सो गई, और मैं था बहुत गहरी नींद में, और मेरे को नींद में भी इसको स्क्रैच करना है। जितना स्क्रैच कर रहा हूँ उतना उसको मज़ा आ रहा है, और जितना मज़ा आता है उतना फैलती जा रही है। अब देखो, हाथ अगर हटा लेता हूँ तो हाथ पकड़ के काटने लगती है, या फिर हाथ को फिर से बोलती है कि दोबारा करो, और इसके मुंह में मैं हाथ दे देता हूँ, ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं काटती है और बहुत ही इको फ्रेंडली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। थोड़ी देर बाद मैं गया था छत पे, और छत पे जाने के बाद मुझे ये फ्लैग मिला, पता नहीं कहाँ से उड़ के आया था, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया अपने दीवार पे। मैंने ये फ्रिज क्यों खोला आपको पता ही है, जो क्या ढूंढ रहा हूँ ये भी आपको बताया, और ये ब्लॉग में क्या क्या बताया ये तो पिछले वाले ब्लॉग में बताया, वो भी आपको बताया। नहीं पता तो आप जाके ये वाला ब्लॉग जरूर चेकआउट करो, अगर ये वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो फिर ये वाला ब्लॉग देख ले, क्या फायदा भाई पिछले वाले ब्लॉग देख के। सो आज फाइनली तीनों एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, दिन का खाना मतलब लंच कर रहे हैं, और पापा भी आ चुके हैं, पापा मम्मी और मैं। सो खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट मम्मी ने खाना डिश बनाया है, जो कि आपके सामने, यार पापा बहुत तेज़ खाते, सबसे पहले पापा ही खा के उठ जाते, और उसके बाद मैं, उसके बाद फिर मम्मी, और ये हमारी बेला रानी देखो यहाँ पे खाने के पास आ जाती है, मगर देखती नहीं है खाने की तरफ। बेला सिट, देखो बैठ गई, ये अपनी बेला है, इसका कुछ भी चीज़ भूलती नहीं है। जब मैं आया उसके लिए तो मैं अलग ब्लॉग में दिखाऊंगा उसने क्या क्या किया था। इसको देखो, मैं ये खाना है ना इसके सामने रख के बोलूंगा कि नो नहीं खाना है तो नहीं खाएगी। नो, देखो यहाँ पे रखा हुआ है, और ये बेला मेरे तरफ देख रही है कि कब मैं ऑर्डर करूँगा तब ये जाके खाएगी। हैबिट, हेलो, देखो जब ऑर्डर किया तभी खाई। ये चीज़ ना मैंने इसको जो चीज़ सिखाई है ये चीज़ कुछ भूली नहीं है, और ये मेरे को बहुत ही सही लगता है कि ऐसे डॉग ना, हर कोई बोलता है कि रॉटविलर बहुत बेकार है, मगर बहुत ही अच्छा डॉग है अपना, है ना। तो पेट थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ चुका है, इसलिए आज थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्या पता पेट भी थोड़ा सा ठीक हो जाए, और सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा कल से जिम जाऊँ, अभी का तो पता नहीं, मगर अभी अगर रूम में कर सकता हूँ ना वो लोग जिम कर लेते हैं, थोड़ा डांस कर लेते हैं, मूव आउट कर लेते हैं। अरे कुछ नहीं होता है भाई, थोड़ा सा ऐसे गाना वाना चला लो, मूव आउट कर लो, वर्कआउट। सो अभी बेला को लेके मैं 2 दिन बाद घर से निकल रहा हूँ, मतलब कल आया था घर से और कल भी नहीं निकला, और आज निकल रहा हूँ शाम को, वो भी कुछ 7:45 मतलब 7:35 हो रहा टाइम। तो बेला चले, बेला को तो बाहर ही छोड़ दिया है, और अपने आप घूम के पॉटी वाटी करके आ जाएगी, और यहाँ पे कोई लोग कहते भी नहीं है कि इसको कुछ बोलेंगे, तो इसको ऐसे छोड़ दिया, और मेरे हाथ में पूरा पट्टा वट्टा सब कुछ है। सो फाइनली बेला को घुमा के आ चुका हूँ, और घर पे आने के बाद रात का ये मिल चुके चाय, और रात का चाय पीते हैं उसके बाद अगला काम शुरू करते हैं। सो गाइज, रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, अब मैं तो कुछ बनाने के लिए सोच रहा हूँ, और इसलिए मैंने कुछ सलाद काटा है, जैसे कि कुकुम्बर काट लिया है, और एक वैसे प्याज काट लूँगा, क्योंकि अभी मेरे को एक डिश याद आया, मतलब याद क्या, बहुत दिन पहले देखा था मैंने यूट्यूब पे, तो वो चीज़ बनाऊँगा। बहुत सिंपल है, क्या है कि एक बॉयल करके उसमें ना सारे सलाद को रख दो और उसको बनाओ नया डिश। तो मैंने उस एक बॉयल हो रहा है उधर देख सकते हो, और मम्मी इधर रोटी बनाने के लिए भी रेडी हो चुकी है, और मम्मी रोटी बना रही है तो मैं मम्मी को भी सलाद वगैरह खिला दे रहा हूँ, और साथ में अभी बनाते हैं अपना सलाद वाला, मतलब एक बॉयल्ड सलाद, एक बॉयल्ड विथ सलाद, तो देखते हैं कैसा लगता है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा अभी बॉयल करने के लिए लगा दिया है एक को, और इधर होते होते मैं सलाद को भी काट लेता हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे करके काट रहा हूँ, और ये वाला जो नाइफ है ना बहुत ज़्यादा धार है, तो मेरे को कभी कभी डर लगता है हाथ ना कट जाए, और बना भी रहा हूँ, मम्मी को खिला भी रहा हूँ। सो ये वाला डिश बनाने से पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने पहले से ही सारे सलाद को चॉप कर रखा था, और उसके बाद बस एक बॉयल्ड को एक बीच में से 1 टाइम काटना है, और इसके बाद इसको बस ऐसे करके रख दो, पहले तो जितने भी सारे हैं सबको काट लेते हैं, और उसके बाद उसमें फिलिंग करेंगे जितने भी लाइक सलाद है,
और सॉसेस रहेगा तो आप सॉसेस भी डाल सकते हो, मगर मेरे को सॉस जितना अच्छा नहीं लगता है तो मैं सॉस नहीं डालूंगा। और इसमें जस्ट फिल करना है आपको प्याज हो गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो कुकुम्बर काट रखा है वैसे। तो हम लोग मतलब मैं क्या करता हूँ, मैंने सारे में पहले फिल कर लेता हूँ, जो देखता हूँ कि प्याज व्याज बचे ना और कुकुम्बर भी बचे ना, अगर बच जाते तो बाद में ऐसे ही खा लेंगे। तो मैं ना इसको फिल करने लग गया और इसको प्याज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लास्ट वाले में हो चुका है। 4 और 1 बॉयल किया था, 4 1 में से 8 निकलेगा, तो फिर से अगर जोड़ देंगे तो 4 ही बन जाएगा। अरे सिंपल कैलकुलेशन है, वाह भाई वाह, क्या बता दिया, मतलब कुछ नया बता दिया क्या, कुछ नया नहीं बताया वैसे ही बोल रहा हूँ। तो हंसी मजाक अपनी जगह पे, और ये बन चुका है अपना, देख सकते हो। और इसको जस्ट कवर कर देना, जिसके साथ जो था वो वाला पोर्शन उसी का साथ लगा के उसको कवर कर दो, और फिर बन जाएगी आपका ये नया डिश, और बहुत प्रोटीनशियस डिश है ये। डिश तो खैर बन चुकी है, अब मम्मी को खिलाते हैं। अब मम्मी ना 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 कर रही है, क्योंकि अंडा मम्मी को इतना ज़्यादा पसंद है नहीं, क्योंकि पता नहीं कि मेरे को बहुत अच्छा ही लगता है, मम्मी को नहीं पसंद है। अब मम्मी रो रही है, नहीं 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 नहीं, तो मैंने थोड़ा सा दिया। अब थोड़ा सा देने के बाद मेरा कहाँ मन भरता, तो मैंने मम्मी को बोला नहीं आपको लेना ही पड़ेगा। तो मम्मी को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही प्रेस किया और पूरा का पूरा अंडा खिला दिया मैंने। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर, जो मर्जी आप करो। वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, वो ब्लैक हो जाना चाहिए या दूसरे कलर में चेंज हो जाना चाहिए। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, मतलब प्लीज़ क्या बोलो, थैंक यू सो 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 मच। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट, योर कमेंट्स इज मोर वैल्यूएबल फॉर अस। जय हिंद, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रखे, बाय बाय, फिर मिलेंगे।